हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग रक्त पित्त व्याधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मॉडर्न में हेमोरेजिक ब्लड डिसऑर्डर से कोरिलेट किया गया है। तो रक्त पित्त होता क्या है? तो इसमें होता यह है कि जो पित्त है वो दूषित होकर के रक्त को दूषित कर देता है, और फिर दोनों के दूषित हो जाने के कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे रक्तपित्त कहा जाता है। तो इस व्याधि में हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी निरुक्ति के बारे में व्युत्पत्ति देखेंगे, इसके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ मतलब कि इस व्याधि का कहाँ कहाँ पर उल्लेख है वो जानेंगे, इसके निदान, इसकी संप्राप्ति को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके भेद जिसमें दोषज भेद और जो दोनों गतियां हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसके पूर्व रूप के बारे में, इनके जो दोषानुसार लक्षण गतियानुसार लक्षण जो हैं उसके बारे में देखेंगे, साध्यता असाध्यता इस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्यों साध्य है और क्यों असाध्य है, फिर उसके उपद्रव देखेंगे रक्तपित्त के, इसके चिकित्सा सिद्धांत के बारे में देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर संपूर्ण चिकित्सा अन्य क्या क्या चिकित्साएं रक्तपित्त में की जा सकती हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो रक्तपित्त पे डिस्कस करते वक्त मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप लोगों को भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जो वीडियो देखने वाले हैं उनको और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पता हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याधि परिचय, इस व्याधि के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि रक्तपित्त मूलतः रक्तज विकार है। रक्तपित्त मूलतः रक्तज विकार है मतलब कि इसमें पित्त के साथ रक्त का भी दूषित होता है, रक्त में भी विकार होता है इसीलिए। और क्या कहा गया कि दूषित पित्त से दूषित रक्त का शरीर के किसी भी मार्ग से बाहर निकलना रक्तपित्त कहलाता है। मतलब कि दूषित पित्त से दूषित रक्त का मतलब दूषित पित्त जब रक्त को दूषित कर देता है और फिर जो दूषित रक्त है वो शरीर के किसी भी मार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। शरीर में विभिन्न स्रोत हैं कई प्रकार के, जब उन स्रोत से जो रक्त है वो बाहर निकलता है तो उसे रक्तपित्त कहते हैं। रक्तपित्त रोग में बिना किसी बाह्य आघात या चोट के आभ्यंतर कारणों से रक्तस्राव होता है, मतलब कि इसमें जो है ना रक्तस्राव के लिए किसी अभिघात की जरूरत नहीं होती है, किसी चोट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अभ्यंतर जो शरीर के आंतरिक कारण है उन्हीं कारणों से रक्तस्राव होता है, ठीक है। यह रक्तस्राव क्षय, क्षीण, यक्ष्मा, रक्ताश, रक्तातिसार आदि में होने वाले रक्तस्राव से भिन्न होता है। क्षय, क्षीण, यक्ष्मा, रक्ताश, रक्तातिसार इसमें जो रक्त का जो स्रोत से निकलते हैं इन व्याधियों में भी निकलते हैं। क्षय, क्षीण, यक्ष्मा, रक्ताश, रक्तातिसार इन व्याधियों में भी जो शरीर के विभिन्न स्रोत हैं उससे रक्त निकलता है, लेकिन रक्तपित्त का जो स्त्राव है वो इन व्याधियों से जो भिन्न स्त्राव होता है, क्योंकि इनमें समान रक्त का स्त्राव होता है और वो किसी स्थानीय कारण से होता है। जैसे रक्तातिसार या रक्ताश में गुदा मार्ग में घात होता है, ठीक है, उसके कारण हो गया, और जो वहाँ से रक्त स्त्राव हो रहा है वो जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है, वो दूषित रक्त नहीं होता है। लेकिन जो रक्तपित्त में जो रक्त का स्त्राव होता है वो पित्त के द्वारा दूषित हुआ होता है। आचार्य चरक ने रक्तपित्त को महारोग कहा है, आचार्य चरक ने रक्तपित्त को महारोग माना है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य चरक ने किस रोग को महारोग की संज्ञा दी है या महारोग का कौन सा रोग को महारोग बताया है। रक्तपित्त अगर आता है तो वहाँ पर टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार अग्नि तृण समुदाय को शीघ्र नष्ट करती है उसी प्रकार रक्तपित्त शरीर को शीघ्र नष्ट करता है। यहाँ पे उपमा दी गई है रक्तपित्त की कि तृण समुदाय मतलब कि जो घास होती है, घास फूस होता है सूखा हुआ और उसमें आग लगा दी जाए तो तुरंत जल जाती है, उसी प्रकार जो रक्तपित्त है वो भी शरीर को तुरंत ही नष्ट करता है। अतः उसकी चिकित्सा शीघ्र करने का निर्देश आचार्य चरक ने दिया, आचार्य चरक ने इसकी चिकित्सा शीघ्र अतिशीघ्र करने को कहा है।
रक्तपित्त को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लोहित पित्त हो गया। आचार्य चरक ने निदान स्थान में इसको लोहित पित्त भी कहा है। तो ये हो गया व्याधि परिचय। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त की निरुक्ति। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। एक देखते हैं कि रक्तम चा पित्तम चा इति रक्तपित्तम, रक्त का दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट हो जाना रक्तपित्त कहलाता है। ये अगर निरुक्ति में ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं कहीं भी निरुक्ति आए तो आप लोग ये जो निरुक्ति है ये लिख सकते हैं। और दूसरे अन्य निरुक्तियाँ क्या है कि जैसे रक्त युक्तम पित्तम रक्त पित्तम, रक्ते दूष्य पित्तम रक्त पित्तम, या फिर रक्तवत पित्तम इति रक्त पित्तम। मतलब कि इन सभी का जो सामान्य अर्थ है वो यही है कि रक्त का दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट होना रक्त पित्त है, या फिर पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना रक्त पित्त कहलाता है। अन्य आचार्यों ने भी इसकी निरुक्तियां दी हैं। आचार्य मधुकोश ने बताया है कि पित्तेन दुष्टम रक्तम रक्त पित्तम इत्युच्यते। सुश्रुत आचार्य ने बताया है कि रक्तंच पित्तंचेति रक्त पित्तम इति। उन्होंने इस प्रकार द्वंद्व समास कर रक्त पित्त की निरुक्ति लिखी है। ये हो गई इसकी निरुक्ति। और ये जो पहला वाला जो निरुक्ति है, पहली जो निरुक्ति है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये लिख सकते हैं। ये निश्चय ही आपके मार्क्स को जो है वो बढ़ाने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें से एक तो याद ही रखिए, अगर आप ये ऊपर वाली याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी। अन्य आचार्यों ने भी कई निरुक्तियाँ दी हैं, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे जो दूसरे लोग आते हैं वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं तो उन्हें भी अन्य निरुक्ति के बारे में पता लग सके। फिर इसके बाद देखते हैं रक्त पित्त की परिभाषा। तो आचार्य चरक ने श्लोक दिया हुआ है, संयोगाद दूषणात तत्तु सामान्याद गंधवर्णयो रक्तस पित्तम आख्यात रक्त पित्तम मनीषी भी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है संयोगात। तो संयोगात का मतलब है इसमें जो है पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहता है और रक्त और पित्त एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो संयोगात मतलब संयोग होता है दोनों का। दूषणात, दूषणात का मतलब इसमें पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि होती है, तो ये हो गया दूषणात। और गंधवर्णयो सामान्यात मतलब इसमें रक्त एवं पित्त के समान गंध एवं वर्ण होता है। रक्त पित्त में जो रक्त निकलता है उसका वर्ण और गंध रक्त और पित्त के समान होती है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। संयोगात दूषणात तत्तु सामान्यात गंधवर्णयो। फिर नीचे की जो लाइन है वो क्या कहती है कि रक्तस पित्तम आख्यात रक्त पित्तम मनीषी भी। मतलब कि इन चीज जो सामान्यता के कारण जो विद्वान लोग हैं वो इसे रक्त पित्त की संज्ञा देते हैं। तो ये हो गया रक्त पित्त की डेफिनेशन। इस श्लोक का जो संदर्भ है, ठीक है, ये श्लोक कहाँ से लिया है, आचार्य चरक ने इसको बताया है कहाँ से बताया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये जो तीन पॉइंट हैं इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो गेन करके ही मिलेंगे। और ये श्लोक इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई बार ऐसा होता है कि आगे की दो या तीन लाइनें बोल करके, जैसे कि ऊपर की लाइनें हैं इसको बोल करके बोल देते हैं कि इस श्लोक का संदर्भ बताते हुए संबंध में जो व्याधि है उसका वर्णन करें, तो इसमें भी आप लोग इसमें जैसे श्लोक दे सकते हैं संयोगात दूषणात तत्तु सामान्यात गंधवर्णयो, इस तरह बोल दिया और फिर बता दिया कि संबंधित व्याधि का जो उल्लेख है वो करें, तो इस तरह भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख संदर्भ ग्रंथ। मतलब कि इस व्याधियों का इस व्याधि का किन किन संहिताओं में
किन किन ग्रंथों में उल्लेख हुआ है। सबसे पहले चरक संहिता निदान स्थान के दूसरे अध्याय में का उल्लेख हुआ है। निदान स्थान में ज्वर के बाद जो दूसरा चैप्टर है वह रक्तपित्त निदानम नाम से है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में भी सेम यही चीज हुई है। ज्वर की चिकित्सा के बाद रक्तपित्त की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो ज्वर की चिकित्सा तीसरे अध्याय में बताई गई है और रक्तपित्त की चिकित्सा चौथे अध्याय में बताई गई है। तो ये जो मतलब कि ज्वर के बाद ही रक्तपित्त का वर्णन क्यों है, इस पर जो आचार्य चरक हैं उनका मत ये है कि ज्वर की उत्पत्ति में भी जो होता है क्या कहते हैं कि पित्त दुष्ट होता है। और तो जो आचार्य चरक हैं उनका मत है कि ज्वर संताप रक्त पित्तम उदीर्यते, मतलब कि ज्वर के बाद ही इसका वर्णन अभिष्ट हुआ, क्योंकि ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता, और बढ़ा हुआ पित्त ही शरीर में उष्मा लाता है। वैसे ही जब बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है तब रक्त पित्त नामक रोग होता है। मतलब कि ज्वर में पहले तो पित्त दूषित होता है और पित्त जब रक्त को दूषित कर देता है तो रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। अतः पित्त के कोप से ज्वर और रक्तपित्त दोनों रोग होते हैं, इसीलिए ज्वर के बाद रक्तपित्त का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अध्याय 45वें में इसका वर्णन किया है, और उन्होंने अध्याय 45वें में इसका वर्णन करने के पीछे जो मत रखा है वो ये है कि जो 44वां अध्याय है वो पांडु रोग का है, उसमें पांडु रोग की चिकित्सा बताई गई है। और पांडु के बाद आचार्य सुश्रुत ने रक्तपित्त को बताया है, तो उनका जो मत है उन्होंने कहा है कि पांडु रोग के समान रक्तपित्त भी पित्त प्रकोप का कारण से उत्पन्न होता है। मतलब कि पांडु रोग में भी पित्त का प्रकोप होता है और रक्तपित्त में भी पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए दोनों आचार्यों का अपने अपने दृष्टिकोण से रक्तपित्त का जो प्रकरण है वह शास्त्र संगत भी प्रतीत होता। तो जो दोनों के मत हैं इस चैप्टर को रखने के अपने अपने स्थान में वो एक तरह से शास्त्र संगत दिखाई देते हैं। ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो संदर्भ ग्रंथ हैं, ठीक है। कई बार ऐसा वाइवा में पूछ दिया जाता है कि निदान स्थान में या चिकित्सा स्थान में इसको ज्वर के बाद ही क्यों रखा गया है, आचार्य सुश्रुत ने ज्वर के बाद क्यों नहीं रखा गया है, उन्होंने पांडु रोग चिकित्सा के बाद क्यों रखा गया है। तो सिंपल है कि पांडु रोग में भी पित्त का प्रकोप होता है, पित्त दूषित होता है, उसके बाद रक्तपित्त में भी पित्त और रक्त दूषित होते हैं, ज्वर में भी पित्त दूषित होता है और ज्वर के बाद इस वजह रखा है क्योंकि ज्वर के बाद मतलब पित्त दूषित होने के बाद रक्त को दूषित करता है, तो इसलिए वजह से चरक आचार्य चरक ने रक्तपित्त को ज्वर के बाद वर्णन किया है, ठीक है। इसी तरह अन्य आचार्य हैं जैसे अष्टांग हृदय में निदान स्थान अध्याय 3 में इसका वर्णन किया गया है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अध्याय 2 में इसका वर्णन किया गया है, माधव निदान ने अध्याय 9 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं, यूजी लेवल पे आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये संदर्भ समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त के निदान। तो जो रक्तपित्त बेसिकली ये होता है कि रक्त में पित्त मतलब कि रक्तपित्त में पित्त कूपी हो करके रक्त को दूषित करता है। तो इसके रक्तपित्त के निदानों में जो भी पित्त प्रकोपक निदान है वही निदान रक्तपित्त के निदान मान सकते हैं हम लोग, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो। तो क्या क्या है देखते हैं। उष्ण तीक्ष्ण क्षार अम्ल लवण एवं कटु पदार्थों का अति सेवन, विदाही अन्नपान का सेवन, अति आतप सेवन मतलब कि ऊष्मा का अति सेवन, अति वायु सेवन, अति अध्वगमन, अति व्यवाय, शोक, भय आदि मानसिक हेतु से भी रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। दूध के साथ लवण व क्षार युक्त शाक का सेवन करने से भी जो पित्त होता है वो दूषित होता है और वो रक्त को दूषित कर सकता है, जिससे रक्तपित्त होता है। मूली, शरसप, लहसुन, सूरा, सौवीरक आदि का अति प्रयोग, ये सब जो कारण हैं इन कारणों से रक्तपित्त की उत्पत्ति हो सकती है। आचार्य चरक ने निदान स्थान में और बताया है कि जब मनुष्य यवक, उद्दालक और कोदो प्रधान अन्न को और अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्य समूह एवं सेम, उड़द, कुलथी की दाल और क्षार एक में मिलाकर खाता है तब हो जाता है। यदि दही, दही का पानी, मट्ठा, कटवर मतलब खट्टी दही
और खट्टी कांजी के साथ भोजन करता है तो उससे होने की संभावना रहती है। सूकर, भैंस, भेड़, मछली और गो का मांस, खली, आलू, मूली, सरसों, लहसुन, करण, सहजन, मीठा सहजन, कढ़ी, यूष, गंध तृण, काली तुलसी, तुलसी, वन तुलसी, काल मालक मतलब मारिश का साग, पुदीना, छवक और फड़ंजक मतलब मरुआ की चटनी या कढ़ी का या साग बनाकर अधिक खाता है। मतलब कि सामान्य मात्रा में खाएगा तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जब अत्यधिक खाएगा तो उससे भी रक्तपित्त होने की संभावना रहती है। सुरा, सौवीर, तुषोदक, मैरे, मेदक, मधुलक, बड़ी बेर, खट्टी बेर आदि को भोजन के बाद अन्नपान के रूप में खाता है तो भी हो सकता है। विशेषकर चावल के आटे से बनी हुई वस्तु को खाकर ऊपर से सुरा आदि का अगर अनुपान करता है तो उससे भी रक्तपित्त होने की संभावना रहती है। या गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है तो भी हो सकता है। इसी प्रकार के उन्होंने निदान स्थान में कई जो कारण हैं रक्तपित्त के वो बताए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त के विपकृष्ट निदान। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त के विप्रकृष्ट निदान। रक्तपित्त की जो उत्पत्ति हुई है उस रुद्र के कोप के कारण हुई है। जो भगवान शिव है जब वो गुस्सा हो गए थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तब उन्होंने वीरभद्र और फिर वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया था। इसी कारण से सभी देवता लोग दुखी हो गए थे और सभी दिशाओं में भागने लगे, जिससे ज्वर और फिर रक्तपित्त और प्रमेह ये सब रोगों की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद देखते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब कि ये जो रोग है ये किस प्रकार से शरीर में उत्पन्न होता है। तो इसका श्लोक है, आप लोग देख सकते हैं कि हेतुर्भि समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्योनित्वाद प्रपन्नम च वर्धते तद् प्रदूषयन् तस्योष्मणा द्रवो धातुर्धातोर् धातोः प्रसिच्यते सिद्धस्तेन संवृद्धि भूयस्तधि गच्छति। उपर्युक्त निदानों से सेवन से बढ़ा हुआ पित्त, मतलब कि जब निदानों के सेवन से पित्त बढ़ जाता है तब वह अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु को प्राप्त होता है। वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर अधिक रूप से बढ़ जाता है। पित्त और रक्त में गुणों की काफी समानता है तो इसी कारण वहां पे जाकर के और अधिक बढ़ जाता है एवं उसे मतलब रक्त को भी दूषित कर देता है। जब रक्त भी दूषित हो गया, पित्त भी दूषित हो गया, तो इस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से द्रव धातु निकलती है। मतलब मांस आदि धातुओं को पिघला देता है, पिघलाने लगता है, जिससे द्रव धातु निकलती है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है एवं रक्त की प्रवृत्ति ऊर्ध्व या अधोमार्ग या संपूर्ण रोमकूपों से होने लगती है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर के मार्गों से, अधोमार्ग मतलब नीचे के मार्गों से, या संपूर्ण मतलब ऊर्ध्व और अधो दोनों रूप से होने लगती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि पित्त किस प्रकार से जो रक्त है उसको बढ़ाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो पित्त है तो पित्त का जो उष्ण गुण है वो रक्त के द्रव गुण को बढ़ाता। आई होप आपको संप्राप्ति समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं, तो संक्षेप में कहा जाए कि निदानों का सेवन करने से पित्त अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु को प्राप्त होता है और फिर वो रक्त धातु को भी बढ़ाता है वहाँ जा कर के। जब वहाँ पे बढ़ाता है तो उससे रक्त धातु भी दूषित हो जाती है और वहाँ पे मांस आदि जो धातुएं हैं ठीक है उनको गलाती है और उनसे द्रव धातु निकलता है, ठीक, जिससे रक्त और मात्रा में बढ़ जाता है। और मात्रा में बढ़ने के कारण वो शरीर के मार्गों से निकलना चालू कर देता है, जिससे रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। आई होप आपको संप्राप्ति समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं संप्राप्ति चक्र। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आ जाता है कि संप्राप्ति बताइए, तो आप हिंदी में श्लोक के साथ संप्राप्ति तो लिख ही सकते हैं। सबसे इजी जो है उसका चार्ट बना दीजिए। तो चार्ट किस प्रकार बताएंगे वो संप्राप्ति चक्र में आपको बताता हूँ, ठीक है। निदानों का सेवन तो हमें पता ही है, तो इसमें लिखेंगे पित्त प्रकोपक निदानों का सेवन। उससे क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, फिर वो बढ़ा हुआ पित्त क्या कहता है, बढ़ करके वो जाता है रक्त को दूषित करता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि, पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि, ये थोड़ा देख लीजिएगा राइटिंग का। तो पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि हुई, फिर उसके बाद रक्त दूषित होने के बाद क्या करता है, रक्त दूषित होने के कारण दोनों का एक दूसरे में, तो दोनों का एक दूसरे में मिलना, मिलने के बाद क्या होता है, मांस आदि धातुओं का पित्त की ऊष्मा से पिघलकर द्रव धातु का स्त्रवण, ऊष्मा के कारण द्रव धातु का स्त्रवण, उससे क्या होगा, उससे ये होगा रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि, उससे होगी रक्त की वृद्धि, रक्त की वृद्धि, और रक्त की वृद्धि के बाद रक्तपित्त का उत्पत्ति। तो ये हो गया, मैंने आपको समझाया, जब द्रव धातु का स्त्रवण होगा तो उससे जो है रक्त की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जो रक्त है वो मार्गों से निकलने लगेगा, उससे रक्तपित्त की उत्पत्ति होगी। इसका एक टेबल मैंने फोटो आपको दिखा रहा हूँ, वो देख सकते हैं आप लोग, ये इसका संप्राप्ति का चार्ट है। फिर इसके बाद देखते हैं संप्राप्ति घटक। तो जब संप्राप्ति आती है, ठीक है, कि संप्राप्ति का वर्णन करें या संप्राप्ति बताएं, तो चार्ट के साथ साथ संप्राप्ति घटक जो हैं इनका वर्णन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और किसी भी व्याधि की डायग्नोसिस करने के लिए उसकी संप्राप्ति घटक का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, तो रक्त पित्त में कौन से दोष की दुष्टि होती है, ठीक है। तो रक्त पित्त में पित्त दोष की, हम सभी जानते हैं पित्त दोष की दुष्टि होती है, और पित्त दोष में कौन से पित्त की दुष्टि होती है, तो इसमें रंजक पित्त की दुष्टि होती है, ठीक है, रंजक पित्त की दुष्टि होती है, ठीक है। दुष कौन सा धातु दुष्ट होता है, दुष्य कौन सा धातु होता है, ये दृश्य लिखा है, ये दुष्य है, तो इसमें रक्त धातु दुष्य होता है, ठीक है। इसमें रक्त धातु रंजक पित्त जो है वो रक्त धातु को दूषित करता है, ठीक है। स्रोतस कौन सा दुष्ट होता है, वो रक्तवाह स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, ठीक है। अधिष्ठान क्या होता है, तो रक्तवाह स्रोतस का अधिष्ठान यकृत और प्लीहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे एक चीज़ समझ में भी आती है कि जो रंजक पित्त है वो यकृत और प्लीहा में आश्रय लेकर के रहता है, और जब यहाँ पे दुष्टि होती है तो अधिष्ठान की भी दुष्टि होती है, ठीक है। और जब पित्त जो है रक्त की दुष्टि करता है तो यकृत प्लीहा में भी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्रोत दृष्टि कौन सी है, विमार्ग गमन, ठीक। स्वभाव आशुकारी। अग्नि कौन सी है, इसमें रस और रक्त की धात्वाग्नि, ठीक है, अग्नि ही तो काम करती है। जब अग्नि अधिक हो जाती है तो मांस आदि धातुओं को गलाने लगती है, ठीक, उष्मा अधिक हो जाती है। साध्यता असाध्यता, ये व्याधि कृच्छ साध्य है, ठीक है, मतलब इजीली ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये क्या, फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं रक्त पित्त के भेद। तो इसके भेदों का वर्णन का जो आधार है वो दो प्रकार से रखा गया है। पहला आधार है गुणों के आधार पर, और दूसरा है रक्त स्त्रवण के मार्ग के आधार पर, मतलब कि किस मार्ग से जो रक्त का स्त्रवण है वो हो रहा है। तो भेदानुसार इसके जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। तो भेदानुसार आचार्य चरक ने 7 प्रकार के रक्तपित्त का वर्णन किया है। पहला है वातिक रक्तपित्त, पैतिक रक्तपित्त, कफज रक्तपित्त, फिर द्वंद्व आते हैं, ठीक है, ये द लिखा हुआ है, सॉरी, द्वंद्व में जिसमें दो दोषों के मिलकर के, दो दोषों को एक साथ मिलकर के बनता है, जिसमें वात पैतिक, वात कफज और पित्त कफज, ठीक
तो ये 3 और 3 6 हो गए। और तीसरा होता है सन्निपातज, जिसमें तीनों दोष मिल करके रक्तपित्त की उत्पत्ति करते हैं। रक्त स्त्रवण के मार्ग के आधार पर देखा जाए तो रक्तपित्त की जो प्रवृत्ति है वो दो मार्गों से होती है, एक ऊर्ध्वक, दूसरा अधोग और तीसरा सर्वांग। तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में ये होता है कि ऊर्ध्वक में रक्तपित्त ऊर्ध्व मार्गों से निकलता है और इसमें कफ का अनुबंध होता है, अधोग में वात का अनुबंध होता है और सर्वांग में कफ और वात दोनों का अनुबंध होता है। ठीक है, सर्वांग मतलब कि जो दोनों मार्गों से रक्तपित्त निकलता है। तो आई होप आपको भेद समझ में आए होंगे, इजी भी हैं और अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। श्लोक भी दिया हुआ है दोनों इनके जो अनुबंध का, कि ऊर्ध्वगम कफ संसृष्टम अधोगम पवनानुगम द्विमार्गम कफ वात अभ्यामु वाभ्याम अनुबंध्यते। चरक चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय का 24वां श्लोक ये है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं पूर्व रूप, रक्तपित्त के पूर्व रूप क्या होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 45वें अध्याय में जो पूर्व रूप है उसका वर्णन किया है और आचार्य चरक ने निदान स्थान के 2nd अध्याय के 6वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 45वें चैप्टर के 8वें श्लोक में और चरक निदान स्थान के 2nd अध्याय के 6वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, आचार्य सुश्रुत का श्लोक देखते हैं कि सदनम शीतक अमित्वम कंठ धूमायनम वमी लोह गंधिश्च निश्वासो भवत्य अस्मिन् भविष्यति। सदनम मतलब अंग साध, ठीक है, मैलिएस कहते हैं इसको। लोह गंधी निश्वास, लोह गंधी मतलब आयरन मेटल स्मेल इन ब्रेथ, मतलब कि जो सांस लेता है तो उसमें मेटल्स की जो गंध होती है वो आती है। शीतक अमित्वम मतलब शीत सेवन की इच्छा, जैसे डिजायर टू ईट कोल्ड थिंग्स। कंठ धूमायनम मतलब कंठ से धुआं निकलने की प्रतीति, फीलिंग ऑफ फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ थ्रोट। ठीक, वमी वमन वोमिटिंग होगी। ठीक, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आचार्य चरक ने बताया है, काफ़ी पॉइंट्स बताए इसमें, मैं मेन बता देता हूँ, जैसे अन्न अभिलाषा, उसके बाद भुगतान का विविधा, जैसे बर्निंग ड्यू टू कंज्यूम फूड, खाना खाने के बाद बर्निंग, अन्न द्वेष, एनोरेक्सिया, हाथ पैरों में जलन, बर्निंग इन पाम्स एंड फीट, पित्त बढ़ा हुआ है तो ऊष्मा भी बढ़ी हुई है, तो ये सब हो सकते हैं, लक्षण आ सकते हैं, सॉरी तो ये सब पूर्व रूप मिल सकते हैं। अंग मर्द बॉडी एक, स्वप्न में रक्त नील पीत श्यावर्ण तेज प्रकाश वाली वस्तुएं दिखाई देना। आम्ल उद्गार मतलब एसिड इरक्टेशंस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आचार्य चरक एवं आचार्य वाग्भट ने मत्स्य गंधता का भी वर्णन किया है, मतलब कि जो रोगी है उसके उससे जो है वो मत्स्य के मछली के समान गंध। ठीक है, आचार्य चरक ने और भी पॉइंट्स बताए हैं, जैसे शरीर के विभिन्न अंग मल मूत्र स्वेद लार, उस रोगी की नाक का मल, मुख एवं कान का मल, नेत्र मल और पीड़िकाएं का रक्त हरा पीला हो जाता है, वमन का वेग बार बार आता है, तो ये सब चीज़ें भी आचार्य चरक ने निदान स्थान में बताई। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है मत्स्य गंधता वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद ही कर ली, और अगर आप चाहते हैं तो आचार्य सुश्रुत के पॉइंट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। ठीक, संक्षेप में अगर चाहते हैं तो ये हो गए पूर्व रूप। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त के लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग दोषानुसार लक्षण देखेंगे, तो दोषानुसार लक्षण में सबसे पहले देते हैं वातिक रक्तपित्त के लक्षण। तो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है चरक चिकित्सा स्थान से कि वातिक रक्तपित्त के लक्षण में क्या है, श्याव अरुणम सफेनम च तनुरूक्ष वातिकम। श्याव अरुणम सफेनम च तनुरूक्ष च वातिकम मतलब कि श्याव मतलब ब्लैकिश ब्लड, अरुण ब्लैकिश ब्राउन या फिर ब्लड के कलर का, सफेनम मतलब फेन युक्त मतलब फोमी ब्लड, द्रव लिक्विड या डाइल्यूटेड होगा एकदम, रूक्ष तनु का मतलब होता है द्रव, रूक्ष मतलब ड्राई। तो जो वातिक रक्तपित्त में जो ब्लड निकलेगा इसमें जो है ये लक्षण दिखाई देंगे। फिर इसके बाद देखते हैं
पैतृक रक्तपित्त के लक्षण में, तो पैतृक रक्तपित्त के लक्षण में देखते हैं, श्लोक दिया हुआ है, रक्तपित्तम कषायभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूम आभमंजनाभम च पैतिकम। मतलब कषायभम ब्लैकिश होता है, ठीक है, कृष्णम ये भी कषायभम और कृष्णम ये दोनों ब्लैकिश की तरफ इंडिकेट करते हैं। गोमूत्र सन्निभम मतलब कि गाय के मूत्र के समान, ग्रह धूमवत इसमें जो स्मोक निकलती है, जो गंध आती है उसमें, वो ग्रह धूम के समान होगी, और अंजनवत मतलब कि जो उसका जो टेक्सचर होगा, जो उसका कलर होगा, वो डार्क ब्लैक कलर्ड ब्लड होता है। तो रक्त पित्त पैतृक रक्त पित्त में ये लक्षण दिखाई देंगे। ये श्लोक आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है, लक्षण पूछते हैं, और गोमूत्र सन्निभम करके जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो गोमूत्र सन्निभम किसका लक्षण है बताएं, इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं कफज रक्तपित्त। तो कफज रक्तपित्त के लक्षण में देखेंगे सांद्रम सपांडु सस्नेहम पिच्छिलम कफामांतिकम। सांद्रम, सांद्र का मतलब विस्कस होगा, ठीक है, सपांडु मतलब येलोइश प्लस होगा, सस्नेहम मतलब वो स्निग्ध होगा, ग्रीजी होगा, मतलब उसको ग्रीस का जो टेक्सचर होता है, ठीक है, तैल के समान वो होगा, ठीक। पिछलम स्टिकी होगा। तो जो कफज रक्तपित्त के लक्षण है वो उसमें जो रक्त निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद देखते हैं द्वंद्वज और सन्निपाताज रक्तपित्त के लक्षण। तो श्लोक वही दिया हुआ है कि संसृष्ट लिंगम संसर्ग आत्रिलिंगम सन्निपातिकम। मतलब संसृष्ट लिंगम संसर्ग आत्रिलिंगम सन्निपातिकम, मतलब कि दो दोषों के मिलने पर दोनों के लक्षण वाला द्वंद्वज, और तीनों दोषों के मिलने पर तीनों के लक्षण वाला सन्निपातिक रक्तपित्त होता है। तो द्वंद्वज रक्तपित्त में विभिन्न मार्गों से स्रवित होकर रक्त का वर्ण दो दोषों के मिश्रित लक्षण अनुसार होगा, जैसे वातज पित्तज हो गया, ठीक है, वातज कफज हो गया या पित्तज कफज हो गया, इन दोनों दोषों के लक्षण मिलेंगे, और सन्निपातज में तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण मिलते। तो ये हो गया रक्तपित्त के भेद अनुसार लक्षण। अब इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त गतियों के अनुसार रक्तपित्त के। तो गति अनुसार रक्तपित्त के लक्षण में सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वग रक्तपित्त के लक्षण। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त के लक्षण में हम लोग ने ये भी देखा था कि ऊर्ध्वग जो होता है वो कफानुबंधी होता है, इसमें कफ दोष का अनुबंध होता है, पित्त दोष के साथ कफ दोष का अनुबंध होता है, और इसमें मुख नासिका नेत्र एवं कर्ण से रक्त की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो दो जो स्रोतस हैं वो नाक में हो गए, दो कान में हो गए, दो नेत्र में हो गए, एक मुख, तो टोटल सात मार्गों से रक्त की प्रवृत्ति होती है। त्रवित रक्त स्निग्ध पिच्छिल सांद्र और पांडु वर्ण का होता है, क्योंकि इसमें कफ का अनुबंध है पित्त के साथ, तो इसमें जो कफज रक्त पित्त के लक्षण है वो भी देखने को मिलते हैं। अधोग रक्त पित्त में देखते हैं तो अधोग रक्त पित्त में वात का अनुबंध होता है, तो इसमें अधोग रक्त पित्त में गुद मेढ्र और योनि मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है। अधोग रक्त पित्त में शरीर के जो अधो भाग में जितने भी स्रोतस हैं बाह्य स्रोतस हैं उनसे रक्त का स्रवित होते हैं, ठीक है। इसमें वात के अनुबंध होने के कारण रक्त का वर्ण जो है वो श्याव अरुण रुक्ष तनु एवं फेनिल होता। उभय मार्गी रक्तपित्त के क्या होगा, तो उभय मार्गी रक्तपित्त में शरीर के जितने स्रोतस हैं सभी से रक्त का जो स्रवण होगा। तिर्यक मार्ग अर्थात रोमकूपों से भी रक्त की प्रवृत्ति होगी, और स्रवित रक्त का जो वर्ण है वो श्याम स्निग्ध पिच्छिल तनु एवं फेनिल होता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों के जो लक्षण है वो दिखाई पड़ेंगे इसमें। तो आई होप आपको ये रक्तपित्त के लक्षण समझ में आए होंगे, ऊर्ध्वग अधोग और उभय मार्गी रक्तपित्त के लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता, मतलब कि किस प्रकार के रक्तपित्त साध्य होते हैं, किस प्रकार के रक्तपित्त असाध्य होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साध्य रक्तपित्त। तो साध्य रक्तपित्त में एक दोषज रक्तपित्त साध्य होते हैं, मतलब कि जो रक्तपित्त केवल एक दोष के कुपित होने के साथ उत्पन्न होते हैं वो साध्य होते हैं, जैसे कि केवल जो पित्तज को रक्तपित्त है वह साध्य है, वातज रक्तपित्त साध्य है, कफज रक्तपित्त साध्य होता है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य होते हैं। ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित्त में पित्त के साथ साथ कफ का भी संसर्ग होता है। हम सभी जानते हैं कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में पित्त के साथ कफ का भी संसर्ग होता है। इसमें की चिकित्सा के अंतर्गत विरेचन कर्म से
दोषों की गति प्रतिलोम की जाती है, ठीक, विरेचन कर्म इसमें किया जाता है। अतः ऊर्ध्व रक्तपित्त का वेग शीघ्रता से रुक जाता है। मतलब कि जो रक्तपित्त की चिकित्सा है वो प्रतिलोम चिकित्सा है, मतलब कि अगर ऊर्ध्व में अगर क्या कह सकते हैं कि रक्त का स्रवण हो रहा है तो उसमें विरेचन देंगे, और अधो से अगर स्रवण हो रहा है तो उसमें वमन कराएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से करते हैं, ठीक। और जब ऊर्ध्व रक्तपित्त है और उसमें हमने विरेचन कराया तो जो वेग है उसका वो शीघ्रता से रुक जाता है। और क्या लिखा है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त के शमनार्थ प्रयुक्त औषधियाँ भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। मतलब कि जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, ठीक, उसमें विरेचन कर्म कराया जाता है, और विरेचन कर्म के लिए जो औषधियाँ हैं वो भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। और क्या लिखा है कि पित्त शामक जो औषधि हैं वो तिक्त कषाय और मधुर रस वाली होती हैं, और इन्हीं रस के सेवन से कफ का भी शमन हो जाता है। तो पित्त के साथ कफ का जो क्या संसर्ग है, दोनों दोषों को ये औषधियाँ शांत करती हैं। इसी कारण से जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसको साध्य माना गया है। अगर रोगी बलवान है तो भी रक्तपित्त साध्य होता है। नवीन और अल्प वेग वाला रक्तपित्त साध्य होता है। जो रक्तपित्त नया है, अभी व्याधि जो है एकदम नवीन है, या फिर जो रक्तपित्त के वेग हैं उनकी जो कह सकते हैं मात्रा वह कम है, या फिर एक या दो ही मार्ग से निकल रहे हैं, वो भी साध्य होते हैं। हेमंत एवं शिशिर ऋतु में उत्पन्न रक्तपित्त भी साध्य होता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जो रक्तपित्त उत्पन्न होता है वो उसे भी साध्य माना गया है। और जिस रक्तपित्त में उपद्रव नहीं होते उस रक्तपित्त को भी आचार्यों ने साध्य माना। इसी बात को आचार्य चरक ने श्लोक में कहा है, विमान स्थान में कहा है इन्होंने कि साध्यम लोहित पित्तम तद्य ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, विरेचनम तु पित्तस्य जायर्थे परम औषधम। और चिकित्सा स्थान में भी उन्होंने साध्य रक्तपित्त का बताया कि एक मार्ग बलवतो न अतिवेगम न वो थितम रक्तपित्तम सुखे काले सांध्यमस्यानि उपद्रवम। तो इन जो दूसरा श्लोक है वो चरक चिकित्सा स्थान से इन्होंने बताया है, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं याप्य रक्तपित्त। तो इसमें बताया है याप्यम त्वाधोगम, चरक चिकित्सा स्थान में बताया है, मतलब कि अधोग रक्तपित्त याप्य होता है क्योंकि इसमें वायु का संबंध होता है, एवं अधोग रक्तपित्त में वमन कराया जाता है, और वमन जो होता है वो वायु का शमन करने के लिए हितकारी नहीं है। मतलब कि उसको वमन के द्वारा जो वात का शमन है वो अच्छे से नहीं हो सकता है। और क्या है, जो पित्त शामक तिक्त कषाय एवं मधुर रस औषधियों का प्रयोग है। अब जाहिर सी बात है, पित्त के वो कह सकते हैं पित्त के दूषित होने के कारण रक्तपित्त उत्पत्ति होती है, तो पित्त शामक औषधियों का भी प्रयोग करेंगे। तो इसमें कषाय और मधुर रस वाली औषधियों में केवल मधुर रस की औषधियां ही वात शामक हैं। तो एक एक तो इसमें ये दिक्कत, साधे रक्तपित्त में तिक्त कषाय मधुर रस वाली औषधियां यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें मधुर रस की औषधियों में कषाय और मधुर में सिर्फ मधुर रस के औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो वात शामक भी होती हैं। अतः औषधियों के अल्प होने के कारण भी अधोग रक्तपित्त साध्य है, लेकिन उसको कठिनाई से साध्य, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो मधुर रस की औषधियाँ हैं वो भी उनकी मात्रा कम है, वो आसानी से नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसी कारण से ये जो है ये साध्य रक्तपित्त इसको बोला गया है, लेकिन याप्य बोला गया कि साध्य तो हो सकता है किंतु इसको हैंडल करने में कठिनाई होगी। और क्या कहा है, द्विदोष रक्तपित्त भी याप्य होता है। द्विदोष मतलब कि वात पित्तज रक्तपित्त, पित्तज कफज रक्तपित्त, और वातज कफज रक्तपित्त को भी आचार्यों ने याप्य माना है। इस पर मधुकोश ने टीका लिखी है कि अधोग त्वेक एव मधुरो वात पित्त प्रशमनः वमनम चा प्रति मार्गत्वेन वेग मात्रा अविरोधी न तु पित्त हरणम। तो ये हो गया याप्य रक्तपित्त। फिर इसके बाद देखते हैं असाध्य रक्तपित्त। तो असाध्य रक्तपित्त में आचार्यों ने कहा कि उभय मार्गी रक्तपित्त असाध्य होता है, मतलब कि जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से स्रवित होता है उसे
असाध्य माना गया है। त्रिदोषज रक्त पित्त भी असाध्य होता है, जिसमें तीनों दोषों का संसर्ग हो, जो भी वातज पित्तज कफज तीनों दोषों का अगर संसर्ग है तो उसको भी असाध्य माना गया है। मंदाग्नि मंदाग्नि युक्त तथा अति वेग युक्त त्रिदोष रक्तपित्त असाध्य होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति की मंद अग्नि मंद है या फिर जो रक्तपित्त का वेग है वो बहुत ही ज़्यादा है और वो त्रिदोषज भी है तो भी उसे असाध्य मानेंगे। रोग से शरीर क्षीण होने पर अगर रक्तपित्त में रक्त का स्त्रवण है जो ज़्यादा हो गया है और उससे रोगी का शरीर क्षीण हो गया है, अगर वह रोगी वृद्ध है या फिर वह अनशन करने वाला व्यक्ति है तो उसके रक्तपित्त भी असाध्य होता। और क्या बताया कि मांस प्रच्छालित जल के समान रंग वाला, सड़ा हुआ, दुर्गंधी, कीचड़ मिश्रित जल के समान, वसा तथा पुय मिश्रित रक्त सम, यकृत व पक्व जंबू समवर्ण युक्त रस रक्त का स्राव तथा इंद्रधनुष के समान विविध वर्ण वाला रक्तपित्त भी असाध्य होता है। जिस रक्तपित्त का रोगी को संपूर्ण अदृश्य वस्तुएं, ठीक है, तथा आकाश को रक्त वर्ण का दिखाई देता हो वह भी असाध्य होता है। अगर रोगी को देखना हो कि कैसे पता करेंगे तो जो रोगी है उसे जो अदृश्य वस्तुएं दिखाई देंगे तथा आकाश जो है वो पूर्ण रूप से रक्त वर्ण का दिखाई देगा। अरिष्ट लक्षण होंगे उसमें और उसके अंदर समस्त उपद्रव भी पाए जाएंगे। उपद्रव का डिस्कशन हम आगे भी कर रहे हैं। क्षीण व्यक्ति में जब खांसते खांसते रक्त निकल जाता है तो उस रक्तपित्त को भी असाध्य कहते हैं। ठीक, उभयमार्गी रक्तपित्त असाध्य क्यों होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो उभयमार्गी रक्तपित्त एक्चुअली इस वजह से असाध्य है कि इसमें जो दोष हैं वो विपरीत दोषों का संसर्ग होता है। अब उभयमार्गी रक्तपित्त है, अगर अधोग होता तो उसमें वमन करा सकते थे और अगर ऊर्ध्व होता तो उसमें विरेचन करा सकते थे, लेकिन जब उभयमार्गी है तो इसमें वमन और विरेचन दोनों कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं करा सकते हैं क्योंकि दोनों विरुद्ध उपक्रम हैं, मतलब कि जो वमन और विरेचन दोनों ही कर्म है ये विरुद्ध उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ऐसी औषधियाँ भी उपलब्ध नहीं है जो दोनों तीनों दोषों को एक साथ शांत कर सके। अगर कोई औषधि है वो वात का शमन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो कफ को बढ़ाएगी, अगर वो कफ का शमन कर रही है तो कहीं ना कहीं पित्त और वात को बढ़ाएगी। तो ऐसी औषधियाँ हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम औषधियाँ या फिर ना के बराबर हैं जो तीनों दोषों को शांत कर सकें, और ऐसी औषधियाँ भी बहुत कम है जो वमन के साथ विरेचन भी करा सकें, और ऐसी औषधियाँ भी ना हैं, एकदम नहीं मिलती हैं जो वमन के साथ विरेचन भी करा सकें। ठीक, तो इसी कारण से आचार्यों ने उभयमार्गी रक्तपित्त को असाध्य बताया। आई होप आपको ये रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता समझ में आई होगी। अगर आपको भी कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त के उपद्रव। आचार्य सुश्रुत ने उपद्रव का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कि रक्तपित्त अगर किसी रोगी को हो जाता है तो उसमें दौर्बल्य मतलब वीकनेस, श्वास मतलब डिस्निया, काश कफ, जर फीवर, वमन मतलब वोमिटिंग होगी, मद मतलब मेंटल कन्फ्यूजन होगा उसको, पांडु एनीमिया होगा, दाह बर्निंग सेंसेशन होगी, मूर्छा फेंटिंग होगी, भोजनोत्तर तीव्र विदाह मतलब सीवियर बर्निंग आफ्टर मील्स होगी, अग्रति मतलब मेंटल इलनेस होगी उसको, हृदय प्रदेश में पीड़ा मतलब पेन इन चेस्ट कह सकते हैं इसको, क्षरित रक्तपित्त में विकृति मतलब डिफेक्ट इन डिस्चार्ज ब्लड, जो ब्लड आएगा ब्लड डिस्चार्ज होगा उसमें डिफेक्ट पाया जाएगा, तृष्णा मतलब कि पॉलीडिप्सिया, अतिसार मतलब डायरिया, शिरोभिपात हेडेक मिलेगा, पूत स्टेवन मतलब सपुरेटिस स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेशन होगा मतलब भक्त द्वेष मतलब एनोरेक्सिया, और अविपाक इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आचार्य सुश्रुत ने रक्तपित्त के ये उपद्रव बताए हैं। ठीक है, अन्य आचार्यों ने क्या बताया है अगर आपको पता चलता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, जिससे जो और भी लोग हैं देखने के लिए उनके भी ज्ञान में इजाफा हो सके। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त की चिकित्सा। तो चिकित्सा में सर्वप्रथम देखेंगे चिकित्सा सिद्धांत।
तो चिकित्सा सिद्धांत क्या कहता है, ये श्लोक देखते हैं सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पे। अक्षीण बल मांसस्य रक्त पित्तम यदत्श्रत तद्दोष दुष्टम उत्कृष्टम नादौ स्तंभनम हति। मतलब कि जिस रोगी में मांस बल क्षीण ना हो, उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति के दुष्ट उबले हुए रक्त पित्त को प्रारंभ में रोकना नहीं चाहिए। अगर रोगी बलवान है, उसके मांस बल का क्षीण ना हुआ हो, उसका जो ब्लड लॉस हुआ है उसको वो सहन कर सकता हो, मॉडर्न में कहा जाए हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसको, अगर वो उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन ना आती हो, उसके रक्त पित्त को प्रारंभ में रोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि उससे जो शुरुआत का रक्त पित्त का गंदा ब्लड है वो शरीर से बाहर हो जाता है, और जब वो बाहर हो जाता है तो उससे जो उसके बाद जब रोकेंगे तो गंदा ब्लड बाहर है तो वो चिकित्सा करने में उससे आसानी होगी। दूसरा चिकित्सा सिद्धांत क्या कहता है कि आमदोष बढ़ने से उभरा हुआ पित्त यदि रक्त पित्त उत्पन्न करे, आमदोष पाचनार्थ प्रारंभ में लंघन करना चाहिए। आमदोष के कारण भी पित्त की दृष्टि होती है, यदि आम के कारण रक्त पित्त की दृष्टि वो रक्तपन्न हो रहा है तो सबसे पहले आमदोष, मतलब कि आमदोष उसके डाइजेशन जो होता है, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके लिए सर्वप्रथम हमें लंघन कराना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वग रक्त पित्त में लंघन तथा अधोक रक्त पित्त में तर्पण कराना चाहिए। तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त में लंघन क्यों कहा गया है? तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त में लंघन इस वजह से कहा गया कि ऊर्ध्वग रक्त पित्त में जो दोष का संसर्ग होता है वो होता है कफ का, और कफ बड़ा हुआ है तो उसके लिए व्यक्ति को लंघन कराएंगे। और अधोग रक्त पित्त में वात का जो संसर्ग होता है, और वात को शांत करने के लिए लंघन नहीं कराएंगे, ठीक है, इससे जो वात है वो और कुपित हो जाएगा। वात को शांत करने के लिए हम लोग तर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ऊर्ध्वग रक्तपित्त में लंघन तथा अधोग रक्तपित्त में तर्पण का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त की चिकित्सा। तो चिकित्सा में बताया है कि लंघननीय रोगी में लंघन के पश्चात ऊर्ध्वग रक्तपित्त के रोगी में तर्पण तथा अधोग रक्तपित्त में पेया हितकर होती है। आचार्य चरक ने जो ये तर्पण और लंघन के जो यूज़ के जो क्राइटेरिया रखे हैं उसका उल्लेख आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में किया है कि मार्गव दोषानुबंधम चा निदानम प्रसमीक्ष च लंघनम रक्त पित्तादौ तर्पणम व प्रयोजयेत। मतलब रक्त पित्त रोग में रक्त के मार्ग दोष का संबंध, रक्त पित्त के कारणों का विचार कर प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में वात या कफ का अनुबंध होता है, तो अगर जो ऊर्ध्वग है, ऊर्ध्वग को ओ से लिख देते हैं, तो ऊर्ध्वग है तो उसमें कफ का अनुबंध होगा। तात्पर्य यह है कि रक्त पित्त में वात या कफ का अनुबंध होता है, ठीक है, और ऊर्ध्वग रक्त पित्त में कफ का अनुबंध होता है, ठीक, और इसमें साम पित्त रहता है और इसका जो कारण है ये स्निग्ध और उष्ण होते हैं आहार विहार, अतः ऊर्ध्व में लंघन करना चाहिए जिससे साम पित्त और कफ का पाचन हो जाता है। और यही चीज अगर अधोग रक्त पित्त में हो जिसमें वात का अनुबंध होता है जो अधो भाग से रक्त निकलता है तो इसमें पक्व पित्त रहता है, हैं, और जिसका कारण रुक्ष और उष्ण आहार विहार होता है, इसमें लंघन न कराकर तर्पण का प्रयोग किया करना चाहिए। और इसके लिए यवागु या सत्तू का तर्पण देना चाहिए। इसी के आगे आचार्य चरक ने 32वें श्लोक में बताया है, एक और क्राइटेरिया दिया है कि काल सात में अनुबंध यो तदाद प्रकृति कल्पविता। मतलब कि काल सात में दोषों का अनुबंध जानने वाले तथा रोग और रोगी की प्रकृति एवं पथ्यों की कल्पना को जानने वाले चिकित्सक को लंघन कराने के बाद ऊर्ध्वग रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोग रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें पहले बताया गया है कि जो रोगी है उसको लंघन करना चाहिए और लंघन के बाद ऊर्ध्वग में तर्पक और अधोग में पेया देनी चाहिए। तो पहले बताया गया है कि जो ऊर्ध्वग में है उसमें लंघन करना चाहिए और जो अधोग में उसमें तर्पण करना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में थोड़े क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि यदि रोगी बलवान है तो उसमें लंघन करना चाहिए और
बलवान रोगी में लंघन के पश्चात, मतलब कि जिसमें ऊर्ध्वग में लंघन करेंगे, लंघन के पश्चात तर्पण देंगे, और वही अगर बलवान रोगी है और उसको अधोग रक्तपित्त है तो इसमें तर्पण के पश्चात पेया देंगे, और यदि रोगी दुर्बल है तो इसमें बिना लंघन कराए ही, और यदि रोगी दुर्बल है और उसे ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो इसमें लंघन नहीं कराएंगे, उसमें डायरेक्टली तर्पण दे देंगे, और अधोग में तर्पण नहीं कराएंगे, डायरेक्टली पेया दे देंगे। काल से इनका तात्पर्य यह है कि ऋतु आदि सातवें रोगी को कैसा आहार विहार अनुकूल होता है, वात का अनुबंध है या कफ का, ये सब जानने वाला रोगी रोग और आहार की प्रकृति, गुरु लघु और आहार की कल्पना के अनुसार गुरु दोष जानने वाला वैद्य समझकर तर्पण का प्रयोग ऊर्ध्वग में और पेय का प्रयोग अधोगामी में करें। ठीक, तो तर्पण के लिए जैसे खर्जूर आदि तर्पण हो गया, लाज तर्पण हो गया, ये सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये जो तर्पण और लंघन और ये वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, और अगर फिर भी नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए जो चिकित्सा है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो विस्तार से बना दूंगा। और दूसरे देखिए क्या लिखा है कि रक्तपित्त के रोगी में अम्ल द्रव्य हितकारी होता है। अम्ल द्रव्य हितकारी क्यों होता है? अम्ल द्रव्य के प्रयोग से जो अग्नि है साम्यावस्था में आ जाती है। तो जब रक्तपित्त के रोगी में अग्नि मंद होती है तब अम्ल रस का प्रयोग किया जाता है। और बताया गया कि रक्तपित्त के रोगी में यदि रक्त की गांठ पड़ गई हो तो कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ देने से ग्रंथि जो होती है विलयित हो जाती है। रक्तपित्त का रोगी यदि क्षीण गर्भिणी बालक बुद्ध वृद्ध सूर्य संताप से पीड़ित तथा अतिश्रम से क्षीण हुआ तब उसमें संशोधन कर्म ना कराकर संसमन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि इसमें बताया गया है कि संशोधन कर्म कब करना चाहिए और संसमन कर्म कब करना चाहिए। तो इसमें जो संशमन कर्म के इंडिकेशन है वो इसमें दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये चिकित्सा समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं संशोधन चिकित्सा। तो संशोधन चिकित्सा किसमें करनी चाहिए? तो संशोधन चिकित्सा के लिए जो इंडिकेशन दिया हुआ है, देखते हैं कि संतर्पण से उत्पन्न रक्तपित्त एवं बलवान रोगी तथा निर उपद्रव, जिसमें उपद्रव ना हो, ऐसे व्यक्ति में संशोधन कर्म हितकर होता है। ठीक है, संशोधन कर्म में अधोग रक्त पित्त में वमन कराते हैं, ऊर्ध्वग रक्त पित्त में विरेचन कराते हैं, और नस के द्वारा हो रहा है तो अवपीड़न नस्य देते हैं। ठीक है, इस चिकित्सा को प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा भी कहा गया है। फिर इसके बाद देखते हैं संशमन चिकित्सा। तो संशमन चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग रस भस्म और पिष्टियों का प्रयोग करते हैं, जिसकी मात्रा जो सामान्य मात्रा है वो 125 से 250 मिलीग्राम होती है, और इसके जो अनुपान हैं उसमें शहद या जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे जो रस भस्म और पिष्टियाँ हैं उनका वर्णन है, जैसे कि रक्तपित्त कुलकंडन रस, इसके जो कह सकते हैं घटक द्रव्य हैं वो है जैसे पारद, गंधक, प्रवाल भस्म, स्वर्ण भस्म, नाग भस्म, वंग आदि, ये इसके घटक द्रव्य हैं। ठीक, रक्तपित्तांतक रस, इसमें अभ्रक भस्म हो गई, तीक्ष्ण और लौह भस्म हो गई, पारद, हड़ताल, गंधक, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, पित्तांतक रस, तो इसमें अभ्रक, लौह, जावित्री, जायफल, जटामांसी, कूट, तालीस पत्र, इन सब का प्रयोग किया जाता है। करपदको रस, तो करपदको रस में रस सिंदूर, कर्पास, फूल वह करपत का प्रयोग कर सकते हैं। बोल परपटी, तो बोल परपटी में बोल पारद गंधक का प्रयोग किया जाता है। बोल बद्ध रस में बोल पारद गंधक लोद्र और नागकेशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैरिक भस्म में स्वर्ण गैरिक का प्रयोग किया जाता है। शंख भस्म में शंख का प्रयोग किया जाता है। चंद्रकला रस में पारद, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक एवं काष्ठ औषधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रवाल भस्म में प्रवाल का प्रयोग किया जाता है। प्रवाल पिष्टी में भी प्रवाल जो है एक मुख्य घटक द्रव्य है। प्रवाल पंचामृत में प्रवाल, मुक्ता, शक्त, शुंठी, वराटिका, शंख, सुक्ति, वराटिका का प्रयोग किया जाता है। त्रिकांत पिष्टी में त्रिकांत का प्रयोग किया जाता है। तो
ये जो है ये कुछ जो रस भस्म हैं, रस से हैं भस्म हैं और ये पिष्टियाँ हैं, इनका प्रयोग बताया गया है। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उनके घटक द्रव का वो कमेंट लिखिए और बता सकते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं वटी प्रयोग। तो वटी की जो मात्रा होती है वो 250 से 500 mg होती है और इसका जो अनुपान है इसको जल के साथ लिया जा सकता है। इसमें एलादी वटी और तीक्ष्णादि वटी। तो तीक्ष्णादि वटी के जो घटक द्रव्य वो है शुद्ध खरपर, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, तीक्ष्ण लौह भस्म और लाक्षा, ये सब इसके जो मुख्य घटक द्रव्य हैं। ठीक है, चूर्ण में देखा जाए तो चूर्ण की जो सामान्य मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम है और इसका अनुपान जो है वह जल या दुग्ध के साथ इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। तो इसमें लाक्षा चूर्ण हो गया जिसमें लाक्षा घटक द्रव्य, उशीरादि चूर्ण, इसमें खस, लोद्र, पद्म काष्ठ और प्रियंगु का प्रयोग होता है। अटरुषादि चूर्ण, इसमें अड़ूसा, मुनक्का और हरड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रियंगवादि चूर्ण, इसमें अड़ूसा, फिटकरी और प्रियंगु और असांत का प्रयोग किया जाता। अगर क्वाथ या आशावरिष्ठ की बात की जाए जिसकी मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम सामान्यता होती है और अनुपान इसको जल के साथ प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें अटरुषादि क्वाथ जिसमें अड़ुच्छा, द्राक्षा और हरण घटक द्रव्य हैं, वासक आदि क्वाथ जिसमें वासा मुख्य घटक द्रव्य है, पद्मकादि क्वाथ जिसमें पद्म काष्ठ, कमल केशर, लोद्र, नीलकमल, नाग केशर ये घटक द्रव्य हैं मुख्य, पत्रांगासव जिसमें पत्रांग, नाग केशर, मुस्तक, पद्मकाठ ये सब हैं। ठीक है, द्राक्षारिष्ट जिसमें द्राक्षा, महुआ, धातकी, त्रिफला, अम्लकी ये सब घटक द्रव्य हैं, लोद्रासव इसमें लोद्र, मंजीठ, हरिद्रा, प्रियंगु घटक द्रव्य हैं, उशीरासव, उशीरासव में खस, लोद्र, नेत्र वाला, प्रियंगु, पद्माक ये सब मुख्य घटक द्रव्य हैं। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर घृत में देखा जाए जिसकी सामान्य मात्रा 10 से 30 mL है, 10 से 30 मिलीलीटर या फिर ml है, जिसका अनुपान उष्ण जल या दुग्ध के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें वासा घृत जिसके मुख्य घटक हैं वासा, गोदुग्ध, गोधरक, दुर्वाद घृत जिसमें दुर्वा, कमल केशर, मंजीट, खांड घृत का है, शतावरी घृत जैसे शतावरी, जीवक, ऋषभक, पर्णिद्वय इनका प्रयोग कर सकते हैं, सप्तप्रस्थ घृत इसमें वेदारी कंद, शतावरी, द्राक्षा, आंवला, इक्षुरक्ष मुख्य घटक द्रव्य, कामदेव घृत, कामदेव घृत जिसमें असगंध, शतावरी, विदारी कंद, शाल, पर्णी, पीपल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगर इसके पाक या अवलेह की बात की जाए रक्तपित्त में जो प्रयोग होते हैं, तो उनकी जो सामान्य मात्रा है वो 10 से 30 ग्राम है और इसका अनुपान जो है इनको दुग्ध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है खंड, कुष्मांड, अवलेह, ठीक है, जिसके कुष्मांड और आंवला मुख्य घटक द्रव्य, शर्करादि लौह जिसमें तिल, शर्करा, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद लौह ये सब मुख्य घटक द्रव्य हैं, सम शर्कर लौह इसमें लौह भस्म, विडंग, शहद, गोघृत ये मुख्य घटक द्रव्य हैं, वासाखंड इसमें अड़ूसा, खांड, त्रिकटु, त्रिजात मुख्य घटक द्रव्य हैं, वासाखंड कूष्मांड इसमें वासा, त्रिकटु, त्रिजात, घृत और पेठा ये मुख्य घटक द्रव्य के रूप में आते हैं। ठीक है, अगर पथ्य की बात की जाए तो पथ्य में आहार के लिए पुराना शाली चावल, गेहूं, धान, कलावा, साबूदाना, मूंग, मसूर, लौकी, परवल, पतली मूली, पलांडू, भिंडी, सेमल का पुष्प, कूष्मांड, बकरी का दूध, गोदुग्ध, जांगल, पशु पक्षियों का मांस रस, घृत, मक्खन, आंवला, केला, सिंघाड़ा, अंगूर, मुनक्का, कच्चा नारियल, पेठा, इक्षुरस, चीनी और मिश्री आदि का प्रयोग कर सकते हैं। विहार में देखा जाए तो जाहिर सी बात है पित्त के कुपित होने से है, तो पित्त ऊष्मा के कारण से होता है, तो शीतल जल से स्नान, शीतल आहार विहार, शीतल वायु सेवन, चंदन का लेप, मुक्तमणियों का हार का धारण, मुक्तामणियों के हार का धारण, चंद्रमा की शीतल किरणों का सेवन, वैदूर्य, मुक्ता, मूंगा आदि का धारण करना तथा इनसे सिद्ध जल का प्रयोग, वमन विरेचन नस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपत में देखा जाए तो अपत में जैसे तिल, उड़द, कुल्थी, गुड़, सरसों, राई, दही, क्षीर, लवण, कटु पदार्थ, विदाही पदार्थ, गर्म मसाला, विरुद्ध भोजन, मत्स्य सेवन, आतप सेवन, अग्नि सेवन, मैथुन स्वेदन या वेग धारण आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और भी जो पित्त पक आहार विहार है उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। विहार में देखा जाए तो वेग धारण, व्यायाम, भय, क्रोध, चिंता, अति सेवन आदि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पथ्य और अपथ्य। तो गाइज ये थी रक्तपित्त की चिकित्सा। ठीक है, अगर आपको अन्य औषधियों के नाम पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उनके रेफरेंस के साथ। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, एंड इसके नोट्स जो हैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आ रहा हूँ। एंड इसके जो नोट्स हैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।